एक डेढ़ साल पहले तक यस बैंक देश का उभरता हुआ प्राइवेट बैंक था। इस बैंक की बैलेंस शीट मजबूत थी। यस बैंक पर निवेशकों का भरोसा कायम था। 15 साल पहले शुरू हुए यस बैंक की आज हालत पतली है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर यस बैंक फंड नहीं जुटा पाया तो क्या ये बैंक डूब जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आज यस बैंक के खाता धारक समेत हर एक निवेशक जानना चाहता है। सरकार और RBI भी ये विचार कर रहे हैं कि अगर यस बैंक $2 अरब नहीं जुटा पाता है तो उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। सूत्रों की माने तो अगर यस बैंक की $2 अरब जुटाने की योजना में देरी होती है तो सरकार और RBI मिलकर यस बैंक को अंतरिम राहत दे सकती है। सूत्रों ने बताया है कि सरकार और RBI अगर यस बैंक के फंड जुटाने के प्लान में दखल देती है तो वो इसके असेट्स सरकारी बैंकों को बेच सकती है या फिर बैंक की छोटी सी हिस्सेदारी किसी सरकारी बैंक को बेच सकती है। यस बैंक पर बैड लोन का बोझ है जिसकी वजह से बैंक फंड नहीं जुटा पा रहा है। बैंक की खराब हालत देखते हुए RBI और सरकार इसे बेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बैंक डूबा तो इकोनॉमिक ग्रोथ को तगड़ा झटका लगेगा जो पहले से ही मुश्किल में है। हालांकि यस बैंक को उम्मीद है कि 14 मार्च तक वो फंड जुटा लेगा। ये भी संभावना है कि अगर डेडलाइन खत्म होने तक बैंक फंड का इंतजाम नहीं कर पाता है तो किसी बड़े सरकारी बैंक को यस बैंक की अस्थायी तौर पर मदद करने के लिए कहा जा सकता है। अगर ये होता है तो कोई सरकारी बैंक यस बैंक की मदद करने के बदले उसकी संपत्ति ले सकता है। सूत्रों ने बताया कि इस स्टेज पर यस बैंक के लिए बेल आउट अहम हो जाता है क्योंकि अभी भी बैंक फंड नहीं जुटा पाया है। खबर ये भी है कि तीन निवेशकों यानी यस बैंक में तीन बड़े निवेशक JC फ्लावर्स, सर्बरस कैपिटल मैनेजमेंट और हिंदुजा ग्रुप हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। हालांकि अभी ये निवेशक बैंक के बही खातों की जांच कर रहे हैं, जबकि बैंक को हर हालत में 15 मार्च तक फंड जुटाना है, यानी यस बैंक के पास बहुत कम समय है। वैसे भी अगर कोई निवेशक $2 अरब निवेश का फैसला लेगा तो पूरी कागजी जांच और कार्रवाई तो करेगा ही। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार तेजी से उभरते हुए बैंक की हालत खराब कैसे हुई। यस बैंक ने जिन कंपनियों को लोन दिया वो ज्यादातर घाटे में है, यानी इन कंपनियों को दिए लोन की रिकवरी नहीं हो पा रही है। कुछ कंपनियां डूब गईं, जिसके साथ बैंक का कर्ज भी डूब गया। बैंक ने रिटेलर्स को ज्यादा लोन नहीं बांटे। यस बैंक ने जिन कंपनियों को लोन बांटे उनमें SL ग्रुप, अनिल अंबानी की ADAG, DHFL और इंडिया बुल्स हाउसिंग कंपनी प्रमुख है। ये सारी कंपनियां घाटे में हैं। ये डगमगाई तो सीधा असर पड़ा यस बैंक पर। यस बैंक की हालत खराब होनी शुरू हो गई। बढ़ते NPA की वजह से आज यस बैंक की हालत खराब है। बैंक के सामने पूंजी जुटाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। निवेशकों ने बैंकों से मुंह मोड़ लिया है। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में यस बैंक का क्या होता है।